हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। इस अभी बॉन्ज़ाई हेयर। आज आप मेरे सामने देख रहे हैं कैमेशाइल का बॉन्ज़ाई, जिसे हम जंगल जलेबी भी कहते हैं। तो इसका आप लुक देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा आया हुआ है। बट आज हम लोग इसको ना सारा पत्ता इसका डिफोलिएट कर देंगे, सारे पत्ते हम इसके निकाल देंगे। इसका रीज़न ये है गाइज कि इसको जैसे ही हमने डिफोलिएट कर देंगे तो इसके जो नीचे नीचे जो नए ब्रांचेज आ रहे हैं, जो फ्यूचर में और भी ज़्यादा अच्छा और खूबसूरत दिखेगा, उनको सनलाइट नहीं मिलता है इन पत्तों की वजह से। तो हम इन सारे पत्तों को निकाल देंगे ताकि सनलाइट इनके अंदर तक जाए और सारे ब्रांचेस को सनलाइट मिले और इनके जो ब्रांचेस है अच्छे से डेवलप हो, मैच्योर बने और फ्यूचर में और भी ज़्यादा वो स्ट्रांग बने। इससे उनका लुक और भी ज़्यादा फ्यूचर में अच्छा आएगा। अभी ये छोटा सा मामे जैसा दिख रहा है, बट ये फ्यूचर में जब इसके ब्रांचेस और भी नए डेवलप होंगे, उसमें से और भी छोटे छोटे जब ब्रांचेस निकलेंगे, तो इसका लुक और भी ज़्यादा डिटेल आ जाएगा। इसलिए हमें इसको सारे पत्तों को डिफोलिएट करना बहुत ही ज़रूरत है। तो गाइस, आप देख सकते हो जैसे जैसे मैं इसके पत्ते को निकालता जा रहा हूँ, इनके अंदर के ब्रांचेस दिखने स्टार्ट हो गए जो पहले नहीं दिख रहे थे। जैसे ही हमें ना ब्रांच दिखने लगता है ना बॉन्ज़ाई का, तो उसका डिटेलिंग और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, वो और भी रियल ट्री जैसा दिखने लगता है। देखिए, अंदर बहुत सारे नए नए ब्रांचेस थे जो पहले दिख ही नहीं रहे थे और उन तक शाइन सनलाइट जा ही नहीं रहा था उन तक। तो अभी गाइस इन पर अच्छे से सनलाइट पड़ेगा और ये अच्छे से और भी ज़्यादा ग्रो करेंगे। और गाइज, मैं आपको ये बता दूँ, ये जो कैमेशाइल का बॉन्ज़ाई है, ये फ्यूजन बॉन्ज़ाई है। इसके अंदर ना आपको दो पेड़ दिखेंगे जो जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से जुड़ गए हैं, फ्यूज़ हो गए हैं बहुत अच्छे से, जिनकी वजह से उसका जो ट्रंक का लुक है वो और भी ज़्यादा मेच्योर दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा पेड़ जो छोटा सा दिख रहा है। ये देखिए गाइज, सारे पत्तों को निकालने के बाद इसकी डिटेलिंग इतने अच्छे से दिख रहा है। सो गाइज, ऐसा ही एक फ्यूजन बॉन्ज़ाई हम लोग फ्यूचर में बनाएंगे, मैं आपको अच्छे से उसका ट्यूटोरियल दिखाऊंगा। अगर गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, इसी तरह हमारा चैनल ग्रो होता रहेगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।